तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक। तो आज की वीडियो होने वाली है एक Q&A टाइप वीडियो तुम्हारे लिए, और ये क्वेश्चंस कितने सौ से रिलेटेड होंगे और काफी यूनिक होंगे। तो आज के इस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यार, मैं जो तुमसे पहला सवाल पूछूंगा वो है कि त्रेसु साई के बाद त्रेसु सीरीज का सबसे रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर कौन सा है अकॉर्डिंग टू यू। तो यार, अगर मेरे अनुसार मैं बात करूँ तो यार मेरे ख्याल से मिस्टर बेंजो। उनका कैरेक्टर भले ही सिंचान में रहने वाले यूनरोस की तरह लगता होगा, लेकिन यार वो उनसे पूरे अलग है। जहाँ यूनरो दूसरों के घरों में जाकर कैसे खाए ये सोचता है, वहाँ मिस्टर बेंजो किसी को खाते वक्त भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। और यार ये अपने घर से दूर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और साथ साथ अपना खर्चा भी उठाते हैं। इसीलिए यार मुझे लगता है कि यार ये कैरेक्टर त्रेसु से भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि त्रेसु में थोड़ा थोड़ा सा लापरवाह बताया गया है। तो यार तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यार क्या तुम्हें इस इमेज का रियलिटी पता है। तो यार तुमने इस इमेज को काफी जगह देखा होगा, काफी सारे यूट्यूबर्स के थंबनेल पे देखा होगा, शायद मेरे ही थंबनेल पे देखा होगा। तो यार ये दरअसल एक टोंगारी का टॉय होता है, जिसमें अपनी डिटेल्स डालने पे ये हमारा फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है और उसे एनिमेशन के रूप में दिखाता है। तो ये बस उसी एनिमेशन का एक छोटा सा इमेज है जो कि गूगल पे काफी ज्यादा फेमस है। तो यार उसने कि त्रेसु का फ्यूचर कुछ ऐसा प्रिडिक्ट किया था कि त्रेसु बहुत ज्यादा गरीब है और वो लोन में डूब जाता है, उसका घर बहुत टूटा हुआ रहता है, और उसने कि त्रेसु का फ्यूचर कुछ ऐसा प्रिडिक्ट किया था। तो यार तुम्हारा तीसरा सवाल, तो यार तुम्हें पता है ये बंदे कौन है। तो यार ये बंदे है कि त्रेसु साइसामा। तो यार अपनी जवानी में त्रेसु साइसामा ऐसे दिखते हैं। तो यार इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है, तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यार अगर तुम्हें कभी कोई मौका मिले कि त्रेसु सीरीज में कोई चेंज करने का, तो यार तुम क्या करना चाहोगे। तो यार अगर मैं अपनी बात करूँ तो यार सबसे पहले तो यार मैं एक ऐसा एपिसोड बनाना चाहूंगा जिसमें यार त्रेसु जाके कुरुसुके को ले आए और यार त्रेसु साइसामा को भी अपने पास लेकर आ जाए। और मैं चाहूंगा कि यार त्रेसु अपने फ्यूचर में त्रेसु साई और कुरुसुके दोनों के साथ रहे। उसके बाद मैं चाहूंगा कि यार मिस्टर बेंजो को एक अच्छी जॉब मिले, क्योंकि यार वो काफी ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें बार बार जॉब से निकाल दिया जाता है, भले ही वो दिल के कितने भी अच्छे क्यों ना है। तो यार हो सकता है ऐसा कुछ है जो कि यार तुम करना चाहोगे और काफी ज्यादा अच्छा होगा, तो यार मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। तो यार अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन काफी कॉमन क्वेश्चन होने वाला है। तो यार तुमने काफी बार सुना होगा कि यार डोरेमोन के हर गैजेट्स में से तुम्हें कौन सा गैजेट पसंद है, या तुम कौन सा गैजेट चुनना चाहोगे। तो यार मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि यार अगर त्रेसु के इतने सारे डिवाइसेस में से तुम्हें एक डिवाइस चुनना हो तो यार तुम कौन सा डिवाइस चुनोगे। तो यार तुम मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, लेकिन अगर तुम मेरी सुनना चाहोगे तो यार मैं लेना चाहूंगा कुरुसुके को, क्योंकि यार कुरुसुके जैसा दोस्त मुझे कभी नहीं मिलेगा। और यार दोस्ती में मेरी किस्मत भी बहुत बुरी है, नहीं मैं हिंदी डबिंग वाली दोस्ती की बात नहीं कर रहा, तो एक दोस्त की कमी मुझे वैसे भी खलती है। तो यार कुरुसुके एक बेस्ट दोस्त होगा। यार तुम अपना गैजेट मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। और यार तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यार अगर तुम त्रेसु सीरीज में अपने शरीर के साथ जा सके तो यार तुम क्या करोगे। तो यार सबसे पहले तो मैं त्रेसु से बहुत सारे टिप्स लूंगा, कुरुसुके से बहुत ज्यादा खेलूंगा, वहां सबसे मिलूंगा, त्रेसु साई से मिलना चाहूंगा, और यार पढ़ना चाहूंगा त्रेसु डाइयाका को विद सेंसुगी, और गूगल लेंस के साथ उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और यार त्रेसु के सारे ही डिवाइसेस को मैं यूज करना चाहूंगा, मियोको से मिलूंगा, बूटा गोरिल्ला से ना मिलूंगा, वो दिमाग खराब करेगा मेरा, मैं इन्हीं चारों के साथ ठीक हूँ। तो यार तुम लोग क्या करोगे यार जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। और यार जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन, अगर तुम एक दिन के लिए त्रेसु बनो त्रेसु एनिमे में तो यार तुम क्या करोगे। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार तुम त्रेसु में जाओगे, मैं बोल रहा हूँ कि यार तुम त्रेसु बन जाओ, तुम रात में सो जाओ और यार जब तुम्हारी आंखें खुले तो देखे कि यार तुम त्रेसु वर्ल्ड में त्रेसु हो, तुम डाइया का पढ़ पा रहे हो और भी बहुत कुछ, तो यार तुम क्या करना चाहोगे। तो यार मुझे कमेंट में जरूर बताना, यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, तो यार मुझे जरूर से कमेंट करना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो तब तक के लिए बाय बाय।